सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो गाइस, कल है मेरा अपना साइंस का एग्जाम, बोर्ड का एग्जाम है, तो ज्यादा सीरियस लेना पड़ेगा इसको। और हिंदी और इंग्लिश ने मेरी परसेंटेज जैसा कि गिरा दी है, तो मुझे उसको उठाने के लिए अपने साइंस पर फोकस करना पड़ेगा। और मैंने इतने दिनों से लाइव करी है, दो टाइम, रात को भी लाइव करी है, दिन में भी लाइव करी है, तो मैंने हद तक की सारा सिलेबस अपना कर लिया है कंप्लीट। ठीक है, अब लास्ट दिन है, और लास्ट दिन में मुझे क्या करना है, पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक सबको एक बार अच्छे से रिवाइज करना है, और जो जो मुझे टॉपिक नहीं आता उसको एकदम अच्छे से समझना है, ताकि गाइस एग्जाम के दिन मैं ये नहीं सोचूं कि मैंने क्यों नहीं करा। और सारे डायग्राम पढ़ने हैं और सारी एक्टिविटी करनी है। और अभी मैं जा रहा हूँ लाइव चलने के लिए, सुबह 9 बजे लाइव चलूंगा मैं, और रात के 10 बजे तक लाइव चलेंगे, मतलब 10 घंटे 11 घंटे तो लाइव होनी चाहिए हमारी। और पेपर से एक दिन पहले का दिन है, जितना ज्यादा पढ़ सकता उतना ज्यादा पढ़ूंगा, ताकि गाइस पेपर के दिन सब कुछ याद रहे। और सुबह उठ के गाइस 80-20 रूल वाली वीडियो भी देखनी है आसू सर की, तो जल्दी से गाइस अपनी लाइव स्ट्रीम स्टार्ट करते हैं अभी वाली। सो गाइस, अभी मैं कर रहा हूँ साइंस में, मतलब नॉर्मल एक एक्टिविटी कर रहा हूँ कि पूरी बुक खोल ले रहा हूँ सामने, जो जो टॉपिक में मेरे को डाउट हो रहा है वो टॉपिक की मैं वीडियो देख रहा हूँ और अपना सारा डाउट क्लियर कर रहा हूँ, और मैं पेज पे अपना डाउट लिख देता हूँ, ताकि गाइस बाद में मुझे ये पेपर के दिन ऐसा ना हो कि मेरा ये डाउट क्लियर क्यों नहीं हुआ। तो और मैं थोड़े बहुत क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहा था। और गाइस, मैंने पूरी लाइव की आपको इसमें क्लिप दिखाई नहीं है, थोड़ी सी दिखाई है, तो जल्दी से इसको करते हैं। गाइज वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। तो गाइज, आज है मेरा साइंस का एग्जाम, और अभी सुबह के 8:30 बज रहे हैं, और मैं जा रहा हूँ अपना डायरेक्ट एग्जाम देने। सुबह 5 बजे उठ के मैंने लाइव करा, और मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा, 3 घंटे पढ़ा, और उसमें गाइज मैंने पढ़ लिया अपना 90-20, मतलब 80-20 रूल पूरा समझ लिया गाइज मैंने सब कुछ। और अभी जा रहा हूँ एग्जाम देने, ऐसा लग रहा है कि मेरा माइंड हो चुका है पूरा ब्लैंक और मुझे कुछ नहीं आता, बट गाइज सब कुछ आता है एग्जाम टाइम पे, याद आ जाएगा। बट अभी ऐसा लग रहा है कि मुझे कुछ नहीं आता। तो गाइस अभी जा रहा हूँ अपनी एग्जाम देने, और देखता हूँ कैसा एग्जाम होता है, और आके तो मैं सब कुछ बताता हूँ पूरा रिव्यू। बारिश क्यों हो रही है भाई यार, दिमाग ख़राब हो रहा है, देख सकते हो, देखो बादल बादल। एग्ज़ाम देने जा रहा हूँ यार, बारिश में जाऊँगा क्या अब? सो गाइस, अभी आ चुका हूँ अपने स्कूल से पेपर देके, और बहुत अच्छा पेपर गया था, मतलब गाइस पूरा पेपर फाड़ के आ गया हूँ, और बहुत बेस्ट पेपर गया था, सीरियस बता रहा हूँ। और तुम्हें अभी अपना पेपर दिखाता हूँ। सो गाइस देख सकते हो मेरा साइंस का पेपर, ये देखो सेट 1 मिलता है हर बार मेरे को, कोड नंबर ये रहा 3111, मतलब बहुत अच्छा लगता है मुझे जब भी सेट 1 मिलता है, बिकॉज गाइस मेरे लिए बहुत इजी हो जाता है। और एमसीक्यू देख सकते हो, सबसे पहले 15-20 मिनट के अंदर एमसीक्यू कंप्लीट करे थे अपने, और जल्दी जल्दी हो गए थे मेरे एमसीक्यू, ठीक है। और उसके बाद मैंने सबसे पहले गाइस मैंने देखो 2 नंबर वाले क्वेश्चन जानबूझ के मैं करता नहीं हूँ पहले, क्योंकि मुझे पता है कि मैं 2 नंबर वाले में ज़्यादा लिख दूंगा, इसी वजह से गाइस मैं सबसे पहले 3 नंबर वाले क्वेश्चन करता हूँ। और ये वाले क्वेश्चन मैंने करे थे, बहुत ईजी था, सच बता रहा हूँ भाई। मुझे पता था एक PSC क्वेश्चन आएगा, PSC भी आ गया अपना क्वेश्चन, और मुझे ये नहीं पता था कि इतना आसान क्वेश्चन आएगा, और मायोपिया की जगह हाइपर मायोपिया आ गया पेपर में, तो ईजी था पेपर। और उसके बाद गाइस देख सकते हो पूरा हर चीज़ इजी था, और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर मुझे पता नहीं था कि बहुत इजी होगा। सो मैं इतना इजी बोल रहा हूँ तो मैं लग रहा होगा यार ज़्यादा इजी था क्या, बट गाइस सच में सीरियस बोल रहा हूँ मेरे लिए इजी था, क्योंकि मैंने पढ़ा था यार, बहुत मेहनत करी थी, तो इजी तो हो गई। और केस बेस्ड क्वेश्चन भी बहुत आसान थे, और मैं सबसे ज़्यादा डर रहा था अपना हेरिडिटी चैप्टर से क्या पूछ लेगा, क्या पूछा है भाई ये क्या है, इतना आसान पूरा बना दिया भाई मैंने, ठीक है। ये पूरा पेपर था भाई, बहुत इजी पेपर था, और तुम्हें बताता हूँ तुम लोग सोचते होगे कि ये बंदा हर बार पेपर इजी बोलता है, मेरे नंबर कितने आ जाएंगे, 70+ आराम से नंबर आ जाएंगे मेरे 80 में से। और सो गाइस साइंस का पेपर अपना पूरा इजी था, मैं हर बार पता इजी क्यों बोलता हूँ, ताकि गाइस मोरल डाउन ना हो और डीमोटिवेट ना हो, ऐसे थोड़ी बोलूंगा कि भाई मेरा पेपर बेकार था, सब कुछ छूट गया, डीमोटिवेट हो गया, नहीं भाई मेरा पेपर अच्छा गया था, वैसे रियल में अच्छा भी गया था मेरा पेपर, बिकॉज गाइस मेहनत भी ज्यादा करी थी, तो इस हिसाब से अच्छा तो जाना ही चाहिए पेपर। अगर किसी का पेपर अच्छा नहीं गया ना, कोई बात नहीं गाइस, अगले पेपर की तैयारी करेंगे, अगला पेपर SST का, SST में भी मचाएंगे जैसे साइंस में मचाया था, और अगर तुमने नहीं मचाया तो SST मचा लेना, कोई सेंस है इस बात। और व्लॉग को करते हैं एंड, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।